मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, बहुत अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और अभी आप इसे देख रहे हो कि मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में वो खा रहे हैं पनीर और रोटी। नहीं है? और यहाँ पे मेरी बिल्ली भी खा रही है खाना, उसको भूख लगी थी। तो अभी आज का मौसम देख रहे हो कितनी फिर से आज धूप लगी है, फिर से गर्म स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन तो सर ऐसा ही था, लेकिन आज फिर से धूप लग गई, फिर से वही परसों वाली गर्मी पड़ रही है। तो अभी तो मैंने सुबह काम वगैरह ख़त्म कर दिया है, कपड़े धोना धाना जो भी होता है वो सब मेरा काम हो गया है कंप्लीट। और अभी मैं अर्जुन जी को नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि तो उनको भी फटाफट से जाना है, तो उनको पानी देते हो ठंडा ठंडा। रोटी खाओ और अभी यहाँ पे मैं दी चाय, यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रखी है, चाय भी बन रही है। क्या तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी है, मतलब बनी गई है चाय, उसमें मैंने दूध डाल दिया। तो क्या बोल रहे, तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है, और सुबह का जो काम होता है फटाफट वो मैंने सुबह ही निपटा दिया था, जो भी होता है बाहर का काम वो मैंने फटाफट से कर दिया था। और ये देखिए आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी, ये कुर्ती पता दोस्तों तब की है जब मैं मोटी थी, तो उस टाइम मेरे पे बहुत फिट आती थी, लेकिन आप देखो कितनी ढीली आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी और की पहनी होगी। तो मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ, क्योंकि ये कुर्ती पहनने में फिट एकदम फिट आती थी, तो टाइट आती थी, लेकिन आपको एकदम लूज़ हो रही है, तो कितना कमज़ोर हो गई हूँ मैं। तो चलो कोई नहीं, कमज़ोर मोटा तो आप लगा धंधा है, कभी इंसान कभी उनके पता होता रहता है। तो अभी मैंने जैसे कि काम वगैरह ख़त्म कर दिया है अपना, तो अभी मैंने क्या करूँगी, नाश्ता करने हस्बैंड जी को नाश्ता करा दिया है, वो चले जाएंगे। उसके बाद मैं एक पानी का बर्तन लेके आती हूँ फिर से, क्योंकि फिर वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, क्योंकि पानी की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं पानी का नाश्ता में भी नाश्ता करके तब पानी लेके आऊँगी, और उसके बाद करूँगी काम जो भी है घर का, जो बचा है बाकी तो मैंने कर दिया सारा काम। तो पानी नाश्ता करने का पानी लाने का मैं काम करूँगी घर का हो। और दोस्तों मुझे मैं सेंटर भी जाऊंगी अभी, क्योंकि सेंटर में जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो अभी नहीं गई, लेकिन हाँ अब निकल जाऊंगी जैसे कि काम वगैरह ख़त्म करने पे। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, हस्बैंड जी को चाय दे देती हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे जा रही हूँ मैं पानी लेने, यहाँ पे मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, अकेले जा रही हूँ, आज कोई नहीं है साथ में, क्योंकि ये है मेरा पानी का बंटा, एक बर्तन में लेके आ गई थी, फिर दूसरे बर्तन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पानी की बहुत समस्या चल रही है यहाँ। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, आज कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले जा रही हूँ, क्योंकि सब ला गए थे मेरे साथ, तो मैं दूसरे बर्तन के लिए जा, दूसरे बर्तन के लिए कोई नहीं आया, तो मैं ही जा रही हूँ। इस टाइम पे क्या पता वहाँ खाली हो, नहीं तो वहाँ भीड़ लगी होती है। तो फूल देखे कितने प्यारे फूल लगे हैं गुड़हल के, मैं आप लोगों को अपना पानी का वो दिखाऊंगी, जहाँ पे पानी भरती हूँ स्रोत, इस टाइम पे कोई नहीं है, जो लोग रहते हैं तो मुझे शर्म लगती है, पर अभी कोई नहीं है, इधर देख रही हूँ, तो मैं आपको पानी का स्रोत दिखाऊंगी अपना। तो ये है दोस्तों हमारा पानी का सारा, यहाँ पे पानी भरते हैं हम, ये किसी की बाल्टी लगी हुई है, चलिए किसकी है बताती हूँ इसको। चलिए दोस्तों मैं पानी भर लेती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं पानी ला गई हूँ,
देखिए मेरा पानी का घंटा। आज भीड़ नहीं थी ज़्यादा, तो जल्दी से मेरा नंबर आ गया था। मतलब मैं गई थी तो कोई नहीं था अभी, तो मैं फटाफट से ला गई। इस टाइम पे पानी थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन शाम शाम को और दिन दिन को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, नहीं आता है। तो आज धूप ज़्यादा नहीं है, तो आज मौसम थोड़ा ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं हो रही। सो ऐसे लाना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को बंठा सर में रख के, पानी बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों मैं घर जाती हूँ फटाफट से, पानी देकर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जाने के बाद यहाँ पे मैंने लंच की तैयारी भी कर दी है, और लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल और भात चावल। और यहाँ पे मेरी दाल बन रही है, बॉईल करने के लिए मैं रख दी है। और ये मैंने प्याज और टमाटर कट कर दिए हैं, चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है खाना, और खाना बनने के साथ साथ मैं मज़े ले रही हूँ, मैं लुत्फ उठा रही हूँ काफल के। कल मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे मेरे लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, बैक कैमरे से ही दिखाऊँगी। तो ये रहे काफल, मतलब एक कटोरी ले, मतलब पूरे एक कटोरी थे मैंने खा दिए, बाकी कल खा रहे थे, बाकी अब खा रही हूँ। तो ये दोस्तों हमारे गांव में नहीं होते हैं, कहीं आप लोग सोचोगे हमारे गांव में हो रखे हैं। ये मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, क्योंकि आजकल लोग गांव गांव के जहाँ जहाँ ये काफल होते हैं तो वो लोग बेचने के लिए आते हैं, तो मेरे हस्बैंड जी आजकल डेली लेके आते हैं मेरे लिए। तो पर महंगे बहुत है दोस्तों, मतलब एक छोटा सा जो कॉफ़ी कप होता है ना वो 30 रुपये का है, और उससे थोड़ा सा बड़ा, हाँ उससे थोड़ा सा बड़ा 50 रुपये का। तो बहुत ज़्यादा महंगा ही है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है ये काफल, क्योंकि ये बहुत गढ़वाली का प्रसिद्ध फल होता है। गढ़वाली का सबसे लोकप्रिय फल है ये काफल। तो आप लोग भी कभी खाना ट्राई करना, फिर आप लोग जो गढ़वाली होंगे वो तो खाते होंगे, उनको तो पता होगा, लेकिन जो बाहर अदर स्टेट के होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो कभी कहीं पे मिले तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे। तो यहाँ पे मैं अपने काफल खा रही हूँ, और खाना मेरा बनने के लिए तैयार है, मतलब बन रहा है, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, कुछ भी बोल देती हूँ कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से ना ये अपने काफल खा लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाना वाना खाने के बाद, दिन का थोड़ा सोने के बाद, और मैं उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 5। और जैसे ही मैं सो के उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे यहाँ बाहर जोरों से बढ़ रही है बारिश, और हम मौसम इतना ठंडा ठंडा हो गया, लाइट भी चली गई है, लेकिन बारिश का मौसम बहुत, क्या कहना, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, फाइनली आज बारिश पड़ ही गई दोस्तों। बहुत दिनों से मौसम ख़राब चल रहा था, तो मैं आप लोगों को भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अभी नहीं दिखेगा, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। दोस्तों हमारे यहाँ का मौसम आज का शाम के टाइम का 5 बजे का मौसम है, कितनी ज़ोरों से बारिश पड़ रही है, वाह बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कैसे बादल लगे हुए हैं, अभी और बारिश आ रही है, देखिए फाइनली भगवान ने सुनी ली, थोड़ा ठंडा कर ही दिया। गर्मी से हमारी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, इसकी साथ साथ बारिश पड़ गई। सोते समय मतलब सोई तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लाइट भी नहीं थी, और मुझे पता नहीं था कि बारिश आ जाएगी। तो जैसे सो के उठ के देखती हूँ कि बारिश आ रखी है, तो कि कैसे हमारे यहाँ बारिश पड़ रही है, और बहुत ठंडा मौसम हो गया है, ऐसे मौसम में तो खाने का मन करता है पकौड़े, लेकिन पकौड़े भी खाएंगे नहीं, क्योंकि ये बारिश वाली ठंड हो रही है, वैसी वाली ठंड नहीं है जो होती है, ये तो फिर बारिश हो रही है तो इस वजह से ठंडा हो गया, अगर पकौड़े खाने को तबियत ख़राब हो जाएगी। और हस्बैंड जी होते तो बना लेती साथ में, अभी हस्बैंड जी नहीं है तो शाम को देखते हैं, लेकिन अभी अगर बारिश रुकी ना दोस्तों तो फिर से वही गर्म हो जाएगा स्टार्ट। और ये देखिए मैंने सोते समय हस्बैंड जी की टी शर्ट पहन ली थी, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चाय बना लेती हूँ, अभी चाय बनाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा किचन में, और बाहर बारिश हो रही है, कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए बारिश को थोड़ा रुकने का वेट करती हूँ, और जाती हूँ चाय बनाने के लिए, गर्म गर्म चाय पीती हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कल का ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो रखी है, कल से हमारे यहाँ दोस्तों लाइट नहीं है। और मैं किसी के यहाँ से फ़ोन चार्ज करके आई हूँ, आज किसी के यहाँ से क्या मतलब, जब मैं सिलाई सेंटर जाती हूँ तो वहाँ मैंने आज अपना फ़ोन चार्ज किया,
तो वहाँ से इसको चार्ज करके लाई हूँ। हमारे यहाँ कल से लाइट ख़राब हो रखी है, कहीं पर टूट गया है शायद तार वगैरह ना, तो पता नहीं कब तक बनता है क्या बनता है। तो इस वजह से मैं कल फोन से चॉप हो गया तो ब्लॉग को नहीं पूरा कर पाई थी, तो ये मैं कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू आज पूरा कर रही हूँ। तो अभी मैं सिलाई वगैरह सिलाई से आ गई हूँ और मैं अब यहाँ पर देखिए फिर से बना रही हूँ खाना। दाल मेरी बन गई, चावल मेरे बन रहे हैं और अभी मैं एक बंठा पानी के लिए लेके आऊँगी ताज़ा पीने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं है कल से, तो फ्रिज में भी पानी नहीं है और जो पानी रखा था वो गर्म हो गया था, तो अब लेकर आऊँगी क्योंकि इस टाइम पे कोई नहीं है वहाँ, भीड़ भी नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि चलो पहले दाल तो बन चुकी है, पहले चावल भी बन जाए, इसमें सीटी आ जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर लोग आ गए हो, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता ना कि कब वहाँ भीड़ हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना बना ही देती हूँ, तो उसके बाद ही जाऊँगी। तो आज मैंने बनाई थी मसूर की दाल और कल हमारे यहाँ इतना तेज़ बारिश हुई ना दोस्तों, शाम के टाइम मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया है, और इतना तेज़ बारिश हुई कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है कल तेज़, मतलब इस जिस वजह से हमारी लाइट ही ख़राब हो गई, हमारे तार वगैरह टूट गए। गाँव में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा बारिश आना भी हम लोगों के लिए सही नहीं होता है क्योंकि लाइटें वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो कहीं से भी गांव में कुछ भी चीज़ का मतलब सुविधा नहीं मिलती है, एकदम से बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है गांव। तभी तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं, शहर रहते हैं, क्योंकि शहर में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जो गांव में रहता है ना दोस्तों, उसी को पता होता है कि वो कैसे कैसे करके अपना जीवन चला रहा है। तो इस वजह से तो मुझे लग रहा शायद गैस भी ख़त्म होने वाली, काफ़ी टाइम हो गया इसको लगे हुए ना, अब तेज़ नहीं हो रही है, तो अब चलो कोई नहीं, सिलेंडर तो है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म, इसके बाद में खाना वाना खाऊंगी और अपने ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे यहाँ लाइट आ गई तो कल आप लोगों के लिए ब्लॉग आ जाएगा, अगर नहीं आई होगी तो फिर से देखते हैं कैसे कैसे फ़ोन वो करूँगी, चार्ज करना पड़ रहा है इधर उधर से। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखना और जय माता दी।